नीट परीक्षा को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। इनमें से एक याचिका में नीट परीक्षा में हुई पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की गई और इस याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक एग्जाम सेंटर चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का भी जिक्र है। मसलन ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने नीट का एग्जाम देने के लिए गोधरा में खास सेंटर को चुना। इन छात्रों ने नीट क्लियर करने और गोधरा में खास सेंटर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत दी। याचिका में जांच की मांग वाली बात पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर किसी भी तरह के आदेश जारी करने से इनकार किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से इनकार किया। आपको बता दें, नीट से जुड़े सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी और इसके अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि देश भर के हाईकोर्ट में नीट परीक्षा 2024 के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं दायर की गई हैं उन सबको ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई की जाए और अलग अलग हाईकोर्ट्स में दाखिल याचिका करने वाले याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी किया गया। दरअसल डॉक्टरी में प्रवेश की परीक्षा नीट विवादों में है और आज इसी विवाद में छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रिजल्ट में अनियमितता को देखते हुए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ग्रेस मार्क्स रद्द करने और 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई जिसमें एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। यानी जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिला था उनकी दोबारा परीक्षा होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में कहा ग्रेस वाले 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द होंगे, 1563 छात्रों के पास परीक्षा का ऑप्शन होगा, रिजल्ट के बाद इसकी काउंसलिंग होगी, सिर्फ ग्रेस मार्क्स वाले ही ये परीक्षा दे सकते हैं। 23 जून को इन सभी छात्रों की परीक्षा होगी और 30 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा। ग्रेस मार्किंग को लेकर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी साफ किया कि जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजिनल मार्क्स दिए जाएंगे। एनटीए के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एनटीए ने छात्रों की बात मान ली है, एनटीए ग्रेस मार्क को हटा रहा है, छात्रों का डर दूर करने के लिए फैसला लिया गया है, लेकिन हम काउंसलिंग को रोक नहीं पाएंगे। 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। अब ग्रेस अंक पाने वाले छात्रों के पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो वो दोबारा परीक्षा देंगे या फिर ग्रेस मार्क्स हटाकर काउंसलिंग में जाएंगे। दिस इज पार्शियल विक्ट्री, ऑनरेबल कोर्ट ने सुना दोनों साइड को और काफ़ी रीजन्ड ऑर्डर किया और वी आर पार्शियली सेटिस्फाइड एंड आई थिंक द बैटल विल स्टिल गो ऑन। उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब दीजिए। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने एनटीए पर सवाल उठाए, ग्रेस मार्क्स को लेकर एनटीए को घेरा, वहीं परीक्षा में पेपर लीक होने का दावा किया कि एनटीए ने ग्रेस नंबर देके खुद नहीं बताया था, हमने पकड़ा था 707, मैं यही वर्ड यूज करूंगा, पकड़ा था, खुद से नहीं बताया है। तो क्या एनटीए इस तरह की और भी बहुत सी चीजें कर रहा है जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन नहीं है? दूसरी बात, सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपॉर्चुनिटी क्यों मिली ग्रेस मार्क्स की और उन्हीं को अब क्यों री एग्जाम मिल रहा है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंच गए पेपर के बाद? बहुत सा बच्चा गांव देहात का है, शहर का भी है, जिसको नहीं पता पेपर लिखने के बाद मुझे माननीय हाईकोर्ट जाना होता है, तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन दिखता है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो केस है वो अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ऑन रहेगा, वो चलता रहेगा, पर हाँ मान लेते हैं काउंसलिंग हो जाती है, एडमिशन हो भी जाता है, तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि वी हैव ऑल द पार्ट्स, अंत में अगर कुछ प्रूफ होता है तो हमारे पास सारी शक्तियां हैं। मामले को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नीट एग्जाम देने वाले बच्चों और अभिभावकों ने भी पेपर लीक होने की बात कही और सीबीआई जांच की मांग की। मुद्दा भटकाया जा रहा है पेपर लीक से, ये पूरा जो मुद्दा है ये पेपर लीक का है, वरना ये कम से कम 15,000 से 20,000 बच्चों का मुद्दा है, वरना इतनी रैंक इन्फ्लेशन हमने किसी साल में नहीं देखी। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि
सरकार को कैसे पता है? दिस इज ऑल प्लान्ड बिकॉज उसकी वजह से सिर्फ जो ग्रेस मार्क्स है वो हट जाएंगे और पेपर लीक का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। और पहले भी एनटीए डिनाई कर चुका है और बार बार डिनाई कर रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, जबकि मेन इशू इज पेपर लीक और पेपर लीक की वजह से ही हमारी रैंक इतनी आगे बढ़ी है। नीट के रिजल्ट पर जारी विरोध के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है, मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक जैसी घटना से धर्मेंद्र प्रधान ने साफ इनकार किया। जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसके इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को।